अजमेर की 9 नंबर पेट्रोल पंप के नजदीक शुक्रवार को सड़क हादसा सामने आया। अनियंत्रित डंपर चालक ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में मौके पर ही महिला की मौत हो गई, वहीं घायल पति को जेएलएन हॉस्पिटल भिजवाया गया। सूचना मिलते ही अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की बॉडी को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस हादसे को लेकर मामले की जांच में जुटी है। ये मेरे श्री रामपाल जी और रूपा देवी, ये दोनों सुबह बाजार के अंदर आए थे शॉपिंग करने के लिए। जब वापस बाजार से शॉपिंग करके घर लौट रहे थे तो उस समय रास्ते में 9 नंबर पंप से आगे एक डंपर था खाली, उसने पीछे से टक्कर मार दी जिनसे उनकी उनकी डेथ हो गई। उनको फिर वहाँ से हॉस्पिटल लेके आए थे, हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया। ये कहाँ पे जा रहे थे, कहाँ से आए थे ये मार्केट में? ये बाजार में आए थे घर का सामान लेने के लिए और बाजार से सामान खरीद के और वापस घर लौट रहे थे। घर बाइक पे थे ये लोग? ये बाइक पे थे। अच्छा, ये कुछ मालूम पड़ा ये क्या करते हैं वैसे रामपाल जी? आपके ससुर जी रामपाल जी आरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर रिटायरमेंट हैं। अच्छा, उनके भी कुछ चोट वोट आई क्या? उनके खरोच आई है, उनके भी लगी है। अच्छा, ज़्यादा गंभीर कौन था? गंभीर जो रूपा देवी जो थी उनकी डेथ हो गई है। रूपा देवी कौन है? रूपा देवी उनकी वाइफ है रामपाल जी की। अच्छा, तो अभी इनके बच्चों के लड़के वगैरह आ गए? इनके लड़के बाहर जॉब पे गए हुए थे, जो आ रहे हैं रास्ते के अंदर हैं। आप क्या लगते हैं मैं उनका दामाद हूँ? आपने रिपोर्ट दर्ज करवा दी? हाँ, रिपोर्ट पुलिस मौके पे, हम तो चले गए थे उनको लेके, बाद में आई होगी तो मुझे पता नहीं, बाकी हमने फ़ोन पे FIR कर दी दर्ज। तो पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया? हाँ जी। ठीक है, आपका नाम? मुकेश कुमार जोधा।